नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा वर्ष बोर्ड 2019 के 10वीं और 12वीं के परिणाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें बागपत की तनु तोमर ने 12वीं के परीक्षा में 97.80 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। जी हां, आपको बता दें कि तनु को 500 में से 489 अंक प्राप्त हुए हैं और वह बागपत के श्रीराम एसएम इंटर कॉलेज की छात्रा है। वही गोंडा की भाग्यश्री उपाध्याय को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। वह पंडित राजाराम उपाध्याय स्कूल की स्टूडेंट है, जिन्हें 500 में से 476 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। उन्हें 95.20% मार्क्स मिले हैं, जिसके आधार पर वो दूसरे नंबर पर। वहीं तीसरे नंबर पर प्रयागराज की आकांक्षा शुक्ला रही, जिन्हें 500 में से 474 नंबर मिले हैं और उनका मार्क प्रतिशत जो है वो 94.80 रहा। जी हाँ, इसके साथ ही वहीं गोंडा की भाग्यश्री उपाध्याय को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। जी हाँ, वह पंडित राजाराम उपाध्याय स्कूल की स्टूडेंट है, जिन्हें 500 में से 476 अंक मिले हैं। उन्हें 95.20% मार्क्स मिले हैं। तीसरे नंबर पर प्रयागराज की आकांक्षा शुक्ला रही, जिन्हें 500 में से 474 नंबर मिले हैं और 94.80% मार्क के साथ वह तीसरे स्थान पर हैं। यूपी बोर्ड 12वीं की टॉपर तनु तोमर ने अपनी सफलता पर कहा कि मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है और लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। जब मेहनत की जाती है तो कीर्तिमान कायम होते हैं। वही 10वीं में टॉप करने वाले गौतम रघुवंशी का गुरु मंत्र 6 से 7 घंटे पढ़ाई है। जी हाँ, उनका मानना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। 10वीं में टॉप करने वाले गौतम रघुवंशी कानपुर के हैं, जिन्हें 600 में से 583 अंक प्राप्त हुए हैं और उनका मार्क परसेंटेज 97.17 है। जी हाँ, वही दूसरे नंबर पर बाराबंकी के शिवम रहे, जिन्होंने 10वीं में सेकंड टॉपर का स्थान हासिल किया है और उनका अंक प्रतिशत 97% है और उन्हें 600 नंबर में से 582 मार्क्स मिले हैं। वही तीसरे नंबर पर बाराबंकी की ही तनुजा विश्वकर्मा रही, जिनके 600 में से 581 मार्क आए हैं। उनके 96.8% मार्क्स रहे। इन सभी छात्रों ने अपनी सफलता का मूल मंत्र मेहनत और एकाग्रता को बताया है। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में खास बात यह रही कि इस बार यूपी हाई स्कूल परीक्षा में 80.07% और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 70.6% छात्रों ने सफलता के परचम लहराए। हाई स्कूल में पास होने का प्रतिशत भी इस बार लड़कियों का अधिक रहा है। जी हाँ, लड़कियों ने यहाँ सफलता के परचम लहराए हैं। इस बार 83.98% लड़कियों ने यहाँ सफलता हासिल की है, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 76.66% रहा है। वहीं इंटर में भी 76.46% लड़कियों ने बाजी मारी, जबकि सिर्फ 64.40% लड़के ही इंटरमीडिएट में सफलता हासिल कर सके हैं। गौरतलब है कि इस बार यूपी में बोर्ड की 12वीं परीक्षा के लिए 30 लाख और 10वीं के लिए 28 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऐसे में अगर 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के संयुक्त आंकड़े को देखें तो 58 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ये थी यूपी 10वीं और 12वीं के बोर्ड में अपने सफलता का परचम लहराने वाले छात्र छात्राओं की कहानी, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इस मुकाम को पाया है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ।